देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 50 रुपया और तथा उसी धन पर उतने ही एवं इसी दर पर साधारण ब्याज कितना दिया 48 रुपया दिया है। तब इसका दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो दर बराबर होता है फॉर्मूला सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस एस आई साधारण ब्याज और हाफ ऑफ एस आई ठीक है गुना 100%। ठीक है अब देखिए सी आई कितना है 50 है और माइनस है और साधारण ब्याज है 48, 48 का आधा करेंगे 24 अगुना 100%। अब उधर आ जाएगा 2/24 अगुना 100%। ठीक है इसको 2 से काटेंगे 12 और इसको काटेंगे 12 से ठीक है तो ये कट के आ जाएगा 8.1/3%। यही हमारा क्या निकल गया, दर निकल गया।